एसओजी ने 26,50,000 रुपए के साथ वापी जीआईडीसी विस्तार में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच पुलिस के अलावा आयकर विभाग और फ्लाइंग स्क्वाड को भी सौंप दिया गया है। लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा सघन जांच पड़ताल की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार रात एसओजी पीआई एसजे बारिया और पीएसआई एनएन गोहिल ने पेट्रोलिंग के दौरान जीआईडीसी सुपर टायर के पास से 26,50,000 रुपए नगद के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान बैग के साथ खड़े व्यक्ति को देर रात देखकर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने उसके पास पहुंचकर नाम पूछा तो उसने अपना नाम राजेश रसिकलाल शाह निवासी चनोद कॉलोनी आरसीएफ 5/5-3 बताया। उसके पास ही कपड़े की थैली की जांच करने पर नगद 26,50,000 रुपए बरामद किए गए। रुपए के संबंध में वह कोई विश्वसनीय सबूत नहीं पेश कर सका, जिसके बाद एसओजी ने उसके गिरफ्तार कर जीआईडीसी पुलिस के सपर्द कर दिया। इसकी जानकारी आयकर विभाग तथा फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी को भी दे दी गई है। आचार संहिता ना अमल माटे पुलिस विविध जगह अत्यारे चेकिंग करी ली छे। एफएसटी जे छे एसएसटी छे एना संदर्भे गई काले वापी जीआईडीसी 4 रस्ता पासे एक इसम ने चेक करता एनी पासे थी 26,50,000 जेटली रकम रोकड रकम मळेली। ए रोकड रकम संबंधे एनी पासे थी हिसाब ने मांगता एने कोई हिसाब पोते रजू नहीं करेला। એમની જે રકમ છે એ પોલીસ દ્વારા સીઝ કરવામાં આવેલી છે અને આગળની તપાસ ચાલી રહી છે કે ખરેખર આ રકમ ક્યાં વાપરવાની હતી, ચૂંટણી સંબંધે ક્યાં વાપરવાની હતી કે અન્ય કોઈ કામે, એની હાલ તપાસ અત્યારે પોલીસ ચાલુ છે અને પછી એમાંથી જો કંઈ આગળ નીકળશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી।